आप जानते हो कि जब इंसान अपने माइंड के क्षेत्र से ऊपर अपनी आत्मा या सोल के एरिया में एंटर करता है तो उसको जो एक चीज अनिवार्य रूप से चाहिए होती है वह ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होती है। लेकिन आखिरकार क्यों हमें इसकी जरूरत होती है और कैसे ब्रह्मचर्य हमें अपने मकसद में कामयाब करता है, आज इसी के डीप सीक्रेट को डिटेल में समझेंगे, जिसके लिए हमें कुछ कीमती पॉइंट्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए अब अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो जब हम अपने माइंड का मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं या अपने अंदर मौजूद सोल की पावर को यूज करना चाहते हैं तो हमें अपनी सोल तक पहुंचने के लिए भी एक तरह का फोर्स या स्टैमिना चाहिए होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही किसी को मिलता है। क्योंकि जब कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो उसकी सेंसेस या इंद्रियां ही उसकी सारी एनर्जी को यूज करके खत्म करती जाती है और इंसान की बॉडी की फ्रिक्वेंसी उस लेवल पर कभी भी मैच नहीं कर पाती है जिस लेवल पर हमारी सोल काम करती है। और ये ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी नदी नहर आदि का पानी अपनी नॉर्मल गति से बहता रहे तो उसके अंदर कोई खास फोर्स नहीं होता है और ना ही इस लेवल पर इस पानी के फोर्स का कोई खास यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी पानी को डैम आदि के द्वारा रोक दिया जाए तो तब जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसका एक खास फोर्स बन जाता है और तब इसी पानी से बिजली बनाई जा सकती है। ठीक ऐसे ही जब इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके अंदर एक खास तरह का फोर्स पैदा होता है जो उसको अपने अंदर मौजूद शक्तियों का एहसास कराता है और उसको बॉडी के लेवल से ऊपर की चीजों को सोचने, समझने और उनको हासिल करने का भी दम देता है। जैसे ब्रह्मचर्य के बिना कोई इंसान केवल नॉर्मल टाइप की थिंकिंग कर सकता है, लेकिन जब वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो तब वह पहली बार उन चीजों को भी महसूस करता है जो हमेशा से ही उसके चारों ओर मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसका ध्यान उन चीजों की ओर कभी गया ही नहीं था। क्योंकि जो चीजें हमारी फिजिकल आईज से हमें नहीं दिखाई देती है उसका कारण बस इतना ही होता है कि वे सब हमारी ब्रेन की क्षमता से बाहर की चीजें हैं, लेकिन हमारी आत्मा या सोल के लिए बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं। इसलिए आपको हायर लेवल की थिंकिंग करने के लिए कहें या अपनी लाइफ को डीपली समझने के लिए कहें या खुद की पावर को समझने के लिए कहें, इन सब के लिए आपका पहले स्पिरिचुअल लाइफ को जीना जरूरी है, जिसके लिए आपको शुरुआती दौर में ही ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी होगा। क्योंकि जो काम आप स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करने के लिए 20 सालों में भी ब्रह्मचर्य के बिना सही से नहीं कर पाओगे, वो काम आप 1-2 साल में ही ब्रह्मचर्य के साथ बड़ी ही आसानी से कर जाओगे। क्योंकि अगर इसी के दूसरे पॉइंट की बात करें तो जब इंसान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा होता है तो वह अपनी प्राण ऊर्जा का यूज सेक्सुअल एक्ट में ज्यादा कर रहा होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सेक्स या जरूरत से ज्यादा सेक्स केवल इंसान की जरूरी प्राण एनर्जी को ही खत्म नहीं करता है, बल्कि शरीर के अंदर मौजूद उन ऑर्गन्स की भी प्राण ऊर्जा को ले लेता है जो उनको अपना काम सही से करने के लिए रोजाना चाहिए होती है। और जब कोई ऐसा करता ही जाता है तो तब इंसान केवल अपनी बॉडी और उसकी जरूरतों में ही उलझा रहता है। उसको वे सब चीजें कभी डीपली समझ ही नहीं आती है जो या तो कीमती किताबों में लिखी है या एक हैप्पी लाइफ को जीने के लिए समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि ये सब बातें किसी को अपनी स्पिरिट, आत्मा या सोल के लेवल पर पहुंचने पर ही समझ आती है। इसलिए जब तक कोई इंसान अपनी बॉडी से फ्री नहीं होता है, चाहे जिस मर्जी से उसका ध्यान अपनी या दूसरों की बॉडी पर लगा हो, तो तब तक उसको अपने और दूसरों के माइंड और सोल के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता है। और अगर वह कोई चीज या सिद्धांत कहीं से पढ़ ले या सुन ले तो भी वह इन सब का सही से यूज नहीं कर पाता है। क्योंकि जो सिद्धांत आत्मा के लेवल पर काम करते हैं वे माइंड के लेवल पर समझे तो जा सकते हैं, लेकिन यूज बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए तो जब तक कोई इंसान माइंड के लेवल से ऊपर नहीं उठता है तब तक उसको स्पिरिचुअल लाइफ और उसके फायदों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है और ना ही वह इसके बारे में कभी सोचता है, क्योंकि इसका पहला आधार ब्रह्मचर्य ही होता है। उसके बाद ही दूसरी चीजें किसी के लिए शुरू होती है। क्योंकि इसी के अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ब्रह्मचर्य के बिना कोई अपने माइंड को सही से कंट्रोल नहीं कर सकता है और स्पिरिचुअल लाइफ के बिना उस कंट्रोल को लंबे समय तक बनाकर नहीं रख सकता है। और अगर देखा जाए तो चाहे मैटर किसी भी तरह के सक्सेस का हो, उसके लिए पहले हमारे माइंड का कंट्रोल होना जरूरी होता है और फिर माइंड का कंट्रोल लगातार बने रहना भी जरूरी होता है, जिसके लिए ही लोग स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं। और जब कोई इंसान अगर थोड़ी सी भी ग्रोथ स्पिरिचुअल लाइफ में कर लेता है तो उसको पहली बार पता चलता है कि लाइफ का शुरुआती पॉइंट हमारी आत्मा से शुरू होता है, माइंड से प्रोसेस होता है और शरीर पर उसका प्रभाव खत्म होता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल इस प्रोसेस को उल्टा समझते हैं। वे सोचते हैं कि बॉडी से चीजों की शुरुआत होती है या माइंड से चीजों की शुरुआत होती है,
और बस यही सब कुछ बॉडी और माइंड के तालमेल से ही शुरू होकर खत्म हो जाता है, जबकि जो आधार है वे उसको पूरी तरह से भूल ही जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं या उनको इसका कभी पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे ही कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है या करना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन भारी डिस्ट्रक्शन से हटने लगता है जो उसको आज तक बेमतलब ही बिजी रखे आए थे, और उसको पहली बार कुछ बड़ा सोचने या करने का मकसद मिलता है जिसका आधार भी ब्रह्मचर्य ही होता है। जिसका एहसास आपको तब तक नहीं होगा जब तक आप एक बार ब्रह्मचर्य को सही से समझकर शुरू नहीं कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही आपको स्पिरिचुअलिटी की उस दुनिया में एंटर कराएगा जिसको लोग नासमझी के कारण जवानी में फालतू समझते हैं और बेमतलब ही परेशान रहते हैं, और बुढ़ापे में इसको जरूरी समझते हैं लेकिन ज्यादा एनर्जी शरीर में ना होने के कारण कुछ खास नहीं कर पाते हैं।